प्रश्न है हमारा, डायरेक्टरी के पतन के कारण कौन कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टरी के पतन के कारण कौन कौन से हैं? तो उत्तर है डायरेक्टरी का पतन। डायरेक्टरी बड़े अपव्यक्ति थे, इससे खजाने का बहुत अधिक धन खर्च हुआ। इनके शासनकाल में युद्ध भी बराबर होते रहे, इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। जनता को यह आशा थी कि डायरेक्टरी फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारेगी, वह पूरी ना हुई। जी हाँ वही है, डायरेक्टरी का निकम्पन। डायरेक्टरी लोग स्वार्थ, लालची, भ्रष्टाचारी और निकम्मे थे। इसमें दूसरी कमी यह थी कि गणतंत्रवादी और आतंकवादी दोनों में आपस में मनमुटाव रहता था, इससे देश का हित होना असंभव था। देश के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान भी नहीं कर सकते थे, इसलिए पतन आवश्यक था। विवेकहीन विदेशी नीति। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टरी की विदेश नीति उसके पतन के लिए उत्तरदायी थी। नेपोलियन के परिश्रम पर मिट्टी डाल दी उसके मिस्र चले जाने पर। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति और भी अधिक खराब कर दी, अतः जनता असंतुष्ट हो गई थी, इसलिए डायरेक्टरी का पतन हुआ। मत अधिकार की दोषपूर्ण प्रणाली। निर्वाचन में भाग लेने का वही अधिकारी था जो कर दे सकता हो। इस नीति से अधिकांश जनता जो कर नहीं देती थी विरोधी बन गई, अतः उसका पतन हुआ। वहीं अगला प्रश्न हमारा, नेपोलियन क्रांति का पुत्र था किंतु उसने उन सिद्धांतों व उद्देश्यों को उलट दिया जिसने उसका अभिभावक हुआ था। ग्रांट और टेम्परले के इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर है, ग्रांट तथा टेम्परले ने उससे फ्रांस की क्रांति का पुत्र कहा। उसने क्रांति के सिद्धांतों तथा उद्देश्यों को पलट दिया। क्रांति का पुत्र तो इसलिए कहा जाता है कि क्रांति से उत्पन्न शक्तियों ने ही उसके युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया, किंतु क्रांति के नेता उस राजनीति और सामाजिक व्यवस्था के शत्रु थे जो युगों से चली आ रही थी। वे राजाओं की निरंकुशता, समानताओं की शक्ति और चर्चा के विशेष अधिकारों का अंत करना चाहते थे। इस काम में उन्हें बहुत कुछ सफलता मिली। इस प्रकार उन्होंने देश की स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों की स्थापना करने का प्रयत्न किया, किंतु इन उपलब्धियों के साथ साथ क्रांति ने आवश्यकता तथा अराजकता को जन्म दिया। देश में आतंक का राज स्थापित हो गया, भयंकर रक्तपात हुआ और चारों ओर हाहाकार मच गया। स्वतंत्रता का आदर्श मिट्टी में मिल गया। क्रांति के लगभग सभी नेता एक एक करके मार डाले गए। आज इस अराजकता का परिणाम यह हुआ कि क्रांति के शत्रु पुनः सर उठाने लगे और यूरोप के निरंकुश शासकों ने उनका साथ दिया। इस परिस्थितियों में नेपोलियन का उत्कृष्ट हुआ। प्रारंभ में नेपोलियन ने क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को कायम रखा,
किंतु बाद क्रांति के आदर्श तथा उपलब्धियों को उलट दिया। नेपोलियन कहा करता था कि क्रांति हूँ